ओके अच्छा जी, ये कौन सा आम है भाई? एटीट्यूड रॉक्स। अच्छा वालेकुम सलाम जी भाई, साहब, हमारी मेरी बराबर जी। आ रही है। मैं बहुत दिनों से जो है इस स्ट्रीम में आना चाह रहा था, लेकिन मेरे साथ होता ये था कि मुलहिदे की स्ट्रीम में तो मेरा नंबर लग जाता था, लेकिन आपकी स्ट्रीम में नंबर नहीं लगता था। तो जी मैं सोचता था कहीं मैं गुमराह होने की तरफ तो नहीं जा रहा हूँ, हिदायत अच्छा, इस वजह से से कहीं दूर तो नहीं हो रहा हूँ। चलो आज हिदायत के करीब हुआ, ये मेरे को अच्छा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं असल में बहुत दिनों से, मतलब मैं 2014 में मेरे 4 महीने लगा था तबलीगी जमात से जुड़ के, और मैं स्टूडेंट लाइफ से जो है तबलीगी जमात से जुड़ा हूँ, और अल्हम्दुलिल्ला चिल्ले की जमात, 4 महीने की जमात में चला हूँ, चिल्ले की जमात में अमीर बन के चला हूँ। फिर अभी जो मेरे साथ जो 3-4 साल में हुआ वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ खास तौर पे। पहले जी मुख्तसरन तो, और हाँ जल्दी जल्दी बता दें जी। बस मुख्तसर ही बता रहा हूँ। जी पहले तो हम दूसरे स्पीकर के बारे में, खासकर अपने उलमाए देवबंद को सुनते थे, उनसे यानी मौलाना तारिक जमील से शुरुआत हुई, फिर दूसरे मौलाना को सुने, सुनते सुनते फिर अपन अली मिर्जा तक पहुंचे, अली मिर्जा को सुनने शुरू करे, फिर वहां से उनको सुनते सुनते फिर ये हुआ कि कभी गालिब कमाल आ गया, कभी हारिस सुल्तान आ गया, फिर वहां से बढ़ते बढ़ते आमिर हक साहब, अबू जर रिस्पॉन्ड, फिर आपका, और अच्छे तरीके से पता चला, दिल को तसल्ली हुई कि चलो इस मैदान में काम करने वाले आप भी है। लेकिन मुफ्ती साहब, सिर्फ मेरा एक ही सवाल है और जिसके लिए मैं इस ट्रिप में आया हूँ। ऐसे तो बहुत सारी बातें पूछना था, लेकिन मैं दूसरी बातें नहीं पूछ रहा, जिन हदीसों पे वो इश्काल करते वो जवाब मैं पूछने नहीं आया हूँ। खुद भी मैं अपने आगे मुफ्ती आने के आराम से पूछते रहता हूँ उसके बारे में, लेकिन आज जो मैं सिर्फ आया हूँ, सिर्फ एक सवाल पूछने आया हूँ। जैसे मुफ्ती साहब, असल में ये जितने भी जो मुल्हिद के खिलाफ जितने भी उलमा और आप जैसे लोग और कैसर कैसर अहमद राजा, आमिर हक साहब, जितने लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें जो एक नामवर शख्सियत अभी जो मैं जानता हूँ वो आप ही की नामवर शख्सियत है ना, यानी उलमा और आलिम के अतबार से भी कहा जाए, और एक मशहूर शख्सियत के बारे में आप है। उसी तरीके से अपोजिट साइड में हम देखा जाए तो उसमें है हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तान को सबसे नाम निहाद मुल्हिद है, और नंबर अभी जो बहुत ज्यादा जिसकी चर्चा होती रहती वो है एडम सीकर, और मैंने साहिल को भी सुना हूँ, एडम सीकर को भी सुना हूँ। तो मुफ्ती साहब, मैं क्या करा, जब मेरे को आप दोनों के बीच की सही बात जानना था तो मैं YouTube में सर्च कर करके थक गया कि कहीं मेरे को मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी साहब वर्सेस एडम सीकर ये दिख जाए, या मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी साहब या हारिस सुल्तान दिख जाए कहीं पे। मुझे दूसरे दिखे, कैसर अहमद राजा साहब दिखे, जैद पटेल साहब दिखे, आमिर हक साहब दिखे, लेकिन मुफ्ती साहब ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है कि जो दो बड़ी इधर से इधर की जो एक अपोजिट शख्सियत बड़ी है और आप, इन लोग दोनों के माबैन कभी क्यों डिबेट नहीं हो पाई, ये मैं जानना चाह रहा। ठीक, ये सवाल आपने कभी उधर भी किया है? नहीं, मैं इस सवाल को उधर तो नहीं किया हूं। ठीक, तो खैर आपको सबसे पहले ये सवाल उधर करना चाहिए। देखें, हमने एक जाब्ता बनाया हुआ है और ये आज से नहीं है बल्कि कई साल से है, और वो जाब्ता ये है कि हम किसी भी ऐसे चैनल के ऊपर नहीं जाएंगे कि जहां पर खुदा और रसूल की शान में गुस्ताखी होती हो। ये हमारा जाब्ता है, चूंकि मैं क्या उलमा बड़ी तादाद में जो दुआत हैं, दाई हैं, वो इसको कुरान के खिलाफ समझते हैं। कुरान में सूरह निसा में इस ताल्लुक से बड़ी वाज़े अंदाज से वजाहत आ गई है। तो ऐसा नहीं है कि हम डिबेट हमें नहीं करना। आप एक बात बताएं कि हम अगर ये लिंक पब्लिक कर रहे हैं और उस लिंक को इस्तेमाल करके आप यहां आए हैं, तो फिर हारिस सुल्तान, आदम सीकर और कौन कौन पीकर सब आ सकते हैं। तो लिंक पर क्लिक करके आना होता है ना, बस वो तो पब्लिक है। ऐसा नहीं है कि हम अपने रूम में बैठे हैं और अंदर से कुंडी लगा ली कुछ लोगों की तरह, अब बाहर पुलिस भी बुला ली, ऐसा तो नहीं कर रहे ना हम। हम पब्लिक के लिए हमने लिंक कर दिया है कि अब कोई भी आ जाए। तो किसी को अगर शौक है कि वो इस्लाम को नीचा दिखाना चाहता है, अलैयास बिल्ला, मुसलमानों को नीचा दिखाना चाहता है, तो भाई वो आ जाए, अपने शौक पूरे कर ले। अच्छा, हारिस सुल्तान के ताल्लुक से मैं कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि वो हमारी स्ट्रीम पर कभी नहीं आए। वो हमारी स्ट्रीम के ऊपर एक मरतबा डैनियल हकीकत जो आए थे, और उस मौके पर ये जो है अपोस्टेट प्रॉफिट के नाम से एक मुर्तद है, इसी तरीके से हारिस सुल्तान और भी दो तीन लोग आए थे। तो
तो एक मरतबा यहां आ चुके हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यहां आने में कोई चीज, कोई रुकावट, हिचकिचाहट नहीं है, तो वो कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये बात है। रही बात यानी डिबेट इसी तरीके से होगी कि अगर किसी को, अच्छा सचवाला के साथ डिबेट हुई तो मेरे चैनल के ऊपर हुई, आज भी एक डिबेट होनी थी जो एक मुल्हिद के साथ होनी थी जो अभी तक नहीं आया, हो सकता है कि आ जाए थोड़ी देर में डिबेट हो जाए। ठीक है, तो हम डिबेट से नहीं घबराते, हमारे पास आते ही लोग हैं मुल्हिदीन और मुर्तदीन छोटे बड़े। ठीक, लेकिन मुफ्ती साहब जैसे मैं खुद अभी पिछले 6 महीने से इस बारे में बहुत सोच सोच के परेशान भी हुआ कि जब जैसे कफर हेरिटिक की स्ट्रीम में बहुत सारे जो है चले जाते हैं, वहां पे आप भी क्यों सुना के ये बताते कि हमने इस्लाम क्यों छोड़ा, है ना। हाँ। और दूसरे ही तरीके से बहुत सारे दूसरे भी मुल्हिदे और मुर्तद की स्ट्रीम में अपने मुसलमान जा रहे हैं, औरतें चले जाती है जिनको कुछ इल्म नहीं होता और बेसिर पर की बात करती है, और वो मतलब उसका क्या करे, उसका क्या करे, मुझे मुझे क्या बताइए। होल्ड ऑन, सचवाला के साथ मेरी डिबेट देखी आपने? जी जी देखो, पूरी देखूंगा, तसल्ली हुई, बहुत अच्छी तसल्ली हो गई आपको? तसल्ली हो गई? क्या लोगों ने उसके चैनल के ऊपर जाना रोक दिया? नहीं जाते। तो फिर अगर डिबेट किसी को जाने से रोक देती तो सचवाला के चैनल के ऊपर लोग जाने से रुक जाते। इसी तरीके से कैसर भाई की डिबेट गालिब कमाल से हुई, क्या उसके चैनल पर जाना रोक दिया लोगों ने? तो ये तो कोई जाब्ता नहीं हुआ ना। हाँ, अगर आप ये कहें कि आप लोग डिबेट क्यों नहीं करते, तो हम यहां बैठे वही हैं डिबेट करने के लिए। और आप अगर आखिर तक स्ट्रीम में देखेंगे, और इससे पहले भी अगर आपने स्ट्रीम में आप देखी होगी मोस्ट लाइकली, तो आपने देखा ही होगा एक से एक आता है हमारे पास, और कोई टॉपिक तय नहीं होता, आके कुछ भी पूछ लो, उसी पे डिबेट करने के लिए तैयार है। जैसे अभी जो एडम सीकर और साहिल जो इतना धूम मचा रहे हैं। अच्छा भाई मेरे, ओ भाई मेरे, सॉरी आयरन मैन बात करना चाहता हूं। ये भाई मेरे, एक बार भाई रुकना है। हां, ये फालतू की बात, धूम मचा रहे हैं। किसमें धूम मचा रहे हैं? हिंदुओं में धूम मचा रहे हैं बोले तो भाई, हिंदुओं में और इसी तरीके से जो लो आईक्यू के लोग हैं ना, उनमें आप गधे को डांस कराने लगा दें तो भी वो भी धूम मचा देगा। तो धूम मचाना कमाल नहीं है। और जबकि एक खास एजेंडा हो, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड लोग हैं उनकी तरफ से वो प्रमोट किया हुआ एजेंडा हो, तो आपको अगर वहां उनके चैनल के ऊपर 2,000-3,000 एक ही वक्त में लोग दिख रहे हैं और उनको दबाकर सुपर चैट मिल रही है और उनको देखने वाले, उनको प्रमोट करने वाले इस्लामोफोबिक हैं, आप उसको अगर कामयाबी का मेयार समझते हैं तो मुझे फिर आपके ईमान के ऊपर शक है मेरे भाई। जी आमिर साहब, आप बिल्कुल। मैं ये चीज कहने लगा था, ये भाई जो हैं एक तो तकरार के साथ एक ही बात करते जा रहे हैं और मुसलसल चंद लोगों का नाम ले रहे हैं, तो भाई प्लेटफॉर्म खुला हुआ है, हजरत ने आपको एक बार बता दिया। मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा हमें पुराना सुन रहा हो और उसको ये शक और शुबा हो कि हमने खास लोगों के लिए प्लेटफॉर्म खोला हुआ है, खास लोगों के लिए बंद है। भाई आ जाए, प्लेटफॉर्म खुला है। ये बताएं क्या नाम है आपका, एडिटूर साहब, कैसे डिबेट होनी चाहिए बताइए, आप कोई प्रपोजल दें। आपके सपोर्ट में आपकी स्ट्रीम में जाए किसी एक ऐसे बीच वाले को सिलेक्ट किया जाए जिसमें आप हो एडम सीकर या आप हो या हारी सुल्तान, और वो डिबेट बहुत अच्छी हो, लंबी हो। वो इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कोई नया इंसान जो है ना, मुझे कोई एतराज कभी किसी डिबेट, किसी मुश्तरका या न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर जाने में कभी नहीं हुआ। पॉइंट ये है कि वो न्यूट्रल प्लेटफॉर्म जो है पैदा करके दिखा दे किधर है। बिल्कुल, मैंने ये बात की थी, मैंने इतनी बड़ी बात की थी हजरत, मैंने कहा कि भाई समीर ने डिबेट करनी है तो एडम सीकर के चैनल पे कर ले, एडम सीकर ने करनी है तो समीर के चैनल पे कर ले, और साहिल ने करनी है तो कोहराम के चैनल पे कर ले, आजाद ग्राउंड ने करनी है तो समीर के चैनल पे कर ले। मैं तो कहता हूँ इनके अपने चैनल पे आके कर लो डिबेट, हम ये कहते हैं भाई, न्यूट्रल करना है ना, ग्राउंड न्यूट्रल रखना है। इस ऑफर के बाद भी अगर ये हशर है तो क्या करें। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले तक तो क्या नाम है उसका, समीर, तो वो भी तो बहुत धूम बिचारा था ना, पता नहीं कहाँ कहाँ बिचार रखी थी उसने धूम।
उसने तो इतनी धूम मचाई हजरत के मंदिर तक में इनको ना म्यूट करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि ये सुनने नहीं आए, ये एटीट्यूड इनका रॉक कर रहा है, तो मैंने कहा थोड़ा सा हम भी रॉक करना चाह रहे हैं ना इधर, हमने भी तो थोड़ा रॉक करना है, हाँ हमने भी शॉक भी तो कर। इतनी धूम मचाई थी हजरत एक्स मुस्लिम्स ने, इतनी धूम मचाई है कि मंदिरों के अंदर धूम मचा दिया है मंगलसूत्र और संदूर के साथ। एडम सीकर तब भी धूम मचा रहा था जब उसने देवी देवताओं को नंगी बदतरीन गालियां दी, जो हम अपनी जुबान पर लाना अपनी तौहीन समझते हैं, वो गालियां दी। तो मेरा भाई आप क्या बात कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। ये चीजें जो है ना, ये आप हम पर छोड़ दें, ये आपको मशवरा देने की कतन कोई जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड द सजेशन कि आप इससे डिबेट कर लें, उससे डिबेट कर लें, हम डिबेट ही करते हैं, दैट्स व्हाट वी डू, हर हफ्ते हम डिबेट करते हैं। अब उसका मैकेनिज्म क्या होगा, किस जगह होगी और किससे होगी, ओपन डिबेट है, हमारा ओपन चैलेंज है तमाम लोगों को, वो आदम सीकर हो के पीकर हो, व्हाटएवर जो भी है, सबको हमारा जो है ओपन चैलेंज है कि भाई आओ और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को हमारे सामने साबित करो, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को साबित करेंगे, ये हम ओपन लिंक लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब आप ये कहें कि नहीं जी उससे आपकी डिबेट होनी चाहिए, उससे डिबेट होनी चाहिए, ये डिरेल करना हुआ, दैट्स नॉट अ गुड क्वेश्चन, आई वुड नॉट एंटरटेन दिस फर्दर, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, योहान साहब, एक्नॉलेज इस्लाम साहब, क्या हालचाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, अस्सलाम वालेकुम साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम, सलाम नाज़रीन को भी सलाम जी, बहुत शुक्रिया। मैं तो मुश्किल हो गई थी ना आमिर भाई, आपका शुक्रिया आपने मुझे ले तो इसी जगह पर नीचे, नहीं अल्लाह आपको दुआ खैर दे जी भाई, ठीक है, योहान।